वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद खान और आप मेरे साथ देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम ज़ियारत। आज मैं आपको शाहजहाँपुर शहर की मशहूर दरगाह कुंडाल बाबा की दरगाह की ज़ियारत कराने के लेके आया हूं। ये दरगाह को लेकर क्या पूरी मान्यता है, हम आज वीडियो में आपको बताएंगे। शाहजहाँपुर जिला मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे नंबर 52 बाईपास के समीप कुंडाल बाबा की दरगाह है। ये दरगाह बेहद पुरानी है। यहाँ देख सकते हैं कि लोग अपनी मन्नतों को मांगने के लिए, पूरी करने के लिए यहाँ पे धागे बांधते हैं और उनकी जो भी मन्नत है वो पूरी हो जाती है। ये बताया जाता है कि ये दरगाह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इस दरगाह का ताल्लुक जुड़ा हुआ है और यहाँ बेहद सुकून है, रूहानियत अलग ही दिखाई देती है, महसूस होती है कि किस तरह से यहाँ रूहानियत है। बाबा का मज़ार पे विशेषकर यूँ हर गुरुवार के दिन यहाँ जायरीनों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन अकीदतमंदों का मुहर्रम के दिनों में ख़ास यहाँ पर मजमा लगा रहता है। मान्यता है कि यहाँ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा चिल्ला मुबारक भी इसको कुछ लोग कहते हैं कि ये वो है, और कई बार लोगों का ऐसा दावा भी है कि उन्होंने घोड़े पर सवारी करते हुए किसी नकाब पोश बुज़ुर्ग को भी देखा है। यह है शाहजहाँपुर जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर ग्राम बिजाना बाईपास, जहाँ से मक्सी की ओर जाते समय रास्ते में कुंडाल शरीफ दरगाह का रास्ता है। बाईपास से ये रास्ता बाबा के मज़ार तक जाता है। खेत से होता हुआ ये रास्ता बाबा के मज़ार की ओर हमें लेके जाता है। देखें पूरा किस तरह से ये रास्ता हरियाली से घिरा हुआ है। को ज़ियारत कराते हैं आज हम कुंडाल शरीफ की मशहूर दरगाह, जहाँ मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। बेहद पुरानी ये दरगाह है, पंचतन पाक का ये मकाम बताया जाता है। दरगाह की ज़ियारत करें, बेहद खूबसूरत नज़ारा है। रूहानियत यहाँ महसूस होती है, बेहद सुकून यहाँ पर मिलता है। दरगाह की ज़ियारत उस दरगाह की ज़ियारत करें, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम हुसैन अलैहिस्सलाम पंचतन पाक का ये मकाम बताया जाता है। हर गुरुवार को यहाँ ज़ायरीनों का, अकीदतमंदों का मजमा लगा रहता है। और करीब से दरगाह की ज़ियारत हम आपको करा रहे हैं, देखिए इसको। खूबसूरत मज़ार का ये मंज़र है। कुंडाल शरीफ की दरगाह पर हमारे साथ एक अकीदतमंद और भी जुड़ चुके हैं, पूछेंगे क्या करामात है बाबा के और किन का ये मज़ार है। ये मज़ार शरीफ कुंडाल के नाम से मशहूर है और मैं अपने बचपन से यहाँ पे आ रहा हूँ। मेरे दादा हुजूर भी आया करते थे, मेरे पापा भी आया करते थे और हम लोग और हमारा पूरा घराना यहाँ पे मुतअक्किद है। और बड़ा करामाती मुकाम है ये, जिसको भी कोई तकलीफ़ परेशानी आफत मुसीबत हो वो सब लोग यहाँ आते हैं और अपनी जो है मुराद पूरी करके यहाँ से लौटते हैं। मुहर्रम के टाइम पर 9-10 तारीख को यहाँ बहुत भीड़ रहती है, जितने भी ज़ायरीन हैं और जो भी अकीदतमंद लोग हैं वो अपनी अपनी मुराद लेके आते हैं और जो भी उस नजराना अकीदत पेश करते हैं। इसी तरीके से आज 40वें का दिन है और हम लोग यहाँ हाज़िरी के लिए आए हुए हैं और मेरे साथ मेरी मिसेस हैं, मेरे बहनोई हैं, मेरी बहन है, मेरी भांजी है, हम सब लोग यहाँ आए हैं। और प्रति रविवार को मैं यहाँ पर आता हूँ और कदम वोसी करके और अपनी मन्नत मांग के जाता हूँ और मेरे सारे काम और मेरे जितने भी परिवार वाले हैं सबके काम यहीं से पूरे होते हैं। किन का मज़ार है ये? ये कुंडाल शरीफ के नाम से है और पंचतन पाक का मुकाम बताया जाता है। पंचतन पाक का मुकाम है ये। सुनने में आया था कि यहाँ मुहर्रम की 9 तारीख पे
एक नकाब पोश बुजुर्गों को भी सवारी करते हुए घोड़े पे देखा है। तो यहाँ मशाल का तो बहुत पुराना टाइम है, जब बचपन में छोटा था उस टाइम से मशाल यहाँ से निकलती है, यहाँ मशाल आती भी है जाती भी है, लेकिन ये है कि रात के वक्त लोग डरते हैं। और मैं भी उस टाइम बच्चा था तो मैं भी कभी नहीं आया, और बड़े होने के बाद चूँकि जंगल का एरिया है तो बहुत कमी से लोग आ पाते हैं, लेकिन यहाँ मशाल का तो बराबर पक्का है कि मेरे दादा हुजूर ने भी यहाँ मशाल देखी आते जाते, मेरे पापा बुजुर्गवान ने भी देखी है, अब तो वो हयात नहीं है इस टाइम पे। क्या नाम है? अब्दुल लतीफ वारसी। हम मौजूद हैं कुंडाल शरीफ की दरगाह पर, हमारे साथ कोई जारीन भी मौजूद है। पूछते हैं क्या है दरगाह की पूरी मान्यता, कितने साल ये? तो कई साल पुरानी है, मैं पैदा भी नहीं हुआ जब से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, बरसों हो गए जब से मतलब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, जब भी मतलब इनकी याद आती है बस चल देता हूँ, भले वो कहीं का भी टाइम हुआ, रात हुई के दिन हुई, और जो भी इनसे मांगा है अक्सर मेरे को मिला, कभी मैं खाली नहीं गया हूँ इनके दर से। किन का मज़ार है ये? कुंडाल शरीफ दरगाह है, ये हसन हुसैन का है ताबीज, ये उनकी दरगाह है और ये कई साल पुरानी है। एक मान्यता भी है, सुनने में आया था कि यहाँ पे कई लोगों ने घोड़े पे बैठे हुए किसी बुजुर्ग को भी देखा है। तो वो मुहर्रम में देखा जाता रात को नाइट को, जो मुहर्रम की 9 तारीख के दिन निकलती है सवारी अपने यहाँ दिन में, वो नाइट में या ओरिजिनल में दिखती है, और वो उनको दिखती है जो सिर्फ सच्चे दिल से देख सकेंगे और उनको दिखेगी, बस सच्चे मन से अगर जो है इंसान साफ सुथरा सिर्फ उसको दिखेगी, बाकी कई इंसान आए देखने के लिए कभी किसी को नहीं दिखे। क्या नाम है आपका? सानू खान। तो देखा आपने, हमारे साथ एक जायरीन मौजूद थे जो कुंडाल शरीफ की दरगाह के बारे में बता रहे थे। ये दरगाह हज़रत इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की इसका चिल्ला मुबारक है, और यहाँ पर मुहर्रम के दिनों में खासकर जब 9 तारीख रहती है वहाँ यहाँ एक सवारी पे एक बुजुर्ग जो है घोड़े की सवारी करते हुए देखे जाते हैं।